बोलिए सद्गुरुदेव की जय। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। इस संसार को कर्म भूमि भी कहते हैं, ये ज्ञान भूमि नहीं है, कर्म भूमि है। इसको मृत्युलोक भी कहते हैं, इसे मातलोक भी कहते हैं। आइए देखें कर्म क्या है। हमारी आत्मा से कर्म क्या क्या संबंध है। मनुष्य दो प्रकार के कर्म करता है, शुभ अशुभ। कर्म की गति झीनी राई, पुण्य करत पाप बन जाई। कर्म की गति झीनी राई, पुण्य करत पाप बन जाई। मनुष्य क्या कर्म कर रहा है, ये कर्म लोक है। स्वर्ग आदि भोग लोक है, केवल इस धरती पर कर्म होता है। हम कर्म को समझे। आत्मा से कर्म का क्या संबंध है। आत्मा का कर्म से कोई संबंध नहीं है। आत्मा की व्याख्या बड़ी सुंदर है, पहली बात यह है कि आत्मा पंचभौतिक तत्वों से परे है। हम पहले देखते हैं कर्म का विधान क्या है, कर्म कैसे किए जाते हैं। हमें कर्म को समझना है। जितने भी कर्म किए जा रहे हैं, इसका विधान यह है, यह 14 इंद्रियों से कर्म होता है। पहला 5 कर्म इंद्रियां, दूसरा 5 ज्ञानेंद्रियां। कर्म का विधान यही है, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। अंतःकरण की 4 सूक्ष्म इंद्रियां, सूक्ष्म क्यों कहते हैं, दिखती नहीं है। कर्म इन 14 इंद्रियों से होता है। देखते हैं कि मनुष्य कर्म कौन सा कर रहा है। मनुष्य ने सभी जीव, पहला हमारी कर्म इंद्रियां क्या कर रही है। कर्म इंद्रियां क्या है, कर्म इंद्रियां 5 हैं। पैर, मूलाधार चक्र, गुदा, शिशिरेंद्री, मुख और हाथ, ये 5 कर्म इंद्रियां कहलाती है। और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, पहला आंखें, ये ज्ञान देती है। देखते हैं इससे ज्ञान मिलता है, ये मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरा घर है, ये सब चीजों का बोध आंखें दिलाती है। दूसरा कान, देखिए वाणी का बड़ा महत्व है, ये वाणी सभी जीव बोलते हैं। एक गाय चल रही थी, उसका बछड़ा बांधा हुआ था, छोटा था, उसको भूख लगी, अपनी मां को उसने आवाज दी, वहां से मां ने रिस्पॉन्स दिया, आवाज देकर कहा आ रही हूं। दूसरा उदाहरण देता हूं, जब भी कोई
खतरनाक चीज दिखती है, सब पक्षी एक आवाज निकालते हैं इमरजेंसी की, उदाहरण के लिए सांप, क्योंकि सांप ऊपर चढ़ जाता है पेड़ों पर, उनके बच्चों को अंडों को खा लेता है और फिर सांप पर सब मिलकर हमला करते हैं। देखा, ये है कान, वो आवाज सुनते हैं बाकी भी पक्षी और इकट्ठे हो जाते हैं। बिल्ली आई तभी भी वो चिल्लाते, कुत्ता आया एक दूसरे को सतर्क करते, जैसे किसी के घर चोर आए तो वो चिल्ला कर कहता चोर आया चोर आया, या कोई मारने आया तब भी ये कान ज्ञानेन्द्रिय। तीसरा नासिका, ये हमें बताती है, मान लीजिए भोजन बासी है, हमारी आंखें नहीं बता पाती, हम फौरन नाक के पास ले जाते हैं, गंध सुगंध का ज्ञान देता है नाक। चौथा मुख, मुख कर्मेंद्री भी है ज्ञानेंद्री भी है, ये खाने का काम भी करता है ज्ञान की बात भी करता है। पांचवा त्वचा, त्वचा क्या करती है, शीतोष्ण का ज्ञान देती है, पानी गर्म है न तो आंख बता सकती है न तो कान बता सकते हैं, कोई नहीं, हम हाथ डालकर देखते हैं ठंडा है या गर्म है, त्वचा स्किन। ये पांच ज्ञानेन्द्रियां, इनका प्रयोग सभी करते हैं, और क्या है, अंतःकरण की चार सूक्ष्म इंद्रियां, इनको सूक्ष्म इंद्रिय क्यों कहा, ये दिखती नहीं है, दिखाई नहीं देती, मन ने संकल्प या संकल्प नहीं दिख रहा है, आभास होता है, इसलिए इसे सूक्ष्म इंद्रिय कहते हैं। दूसरा बुद्धि, बुद्धि फैसला करती है पर वो दिख नहीं रहा है। तीसरा चित्त, ये जगत ही चिताभास है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन के चार रूप है, जब ये संकल्प करता है इसको मन कहते हैं, जब ये निश्चय करता है इसको बुद्धि कहते हैं, जब ये याद करता है इसको चित्त कहते हैं, जब ये क्रिया करता है इसे अहंकार कहते हैं। क्रिया कैसे, मैं उठ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, ये सब क्रियाएं हैं, ये अहंकार है, मैं हूँ यह अहंकार है, ये 14 इंद्रियां हैं। कर्म करने का विधान इन 14 इंद्रियों से है। अब फिर शरीर को देखते हैं, साहब भी कह रहे हैं तामे जीव ब्रह्म और माया, जीव ब्रह्म माया समृत ऐसा खेल बनाया। भाइयों, ये शरीर पंचभौतिक तत्वों से बना है, गाड़ी निर्जीव है पर खुराक मांगती है ना, फ्यूल मांगती है और चीजें मांगती हैं, इसी तरह भौतिक ये शरीर पंच तत्व का है, जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश। अब यहां साहब एक बात कह रहे हैं, ये पिंजड़ा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजड़ा नहीं तेरा,
ये पंच भौतिक तत्व है। अब इनकी अलग अलग नेचर है, इसमें आत्मा है। जल की पृथ्वी की पांच वृत्तियां हैं भाई, ये एक गाड़ी है समझिए, शरीर, हार्ड, मांस, त्वचा, रोम, नाखून। पांच तत्व का पुत्रा मानुष इसका नाम। ये पृथ्वी तत्व के कारण से, जल तत्व से रक्त, पसीना, थूक, मूत्र और बीज, ये वायु तत्व से सुकड़ना, पसरना, बोलना, सुनना आदि। शब्द रूप रस गंध स्पर्श आदि आकाश तत्व से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भी। ये हर एक इंसान के अंदर है। थोड़े दिन पहले मैंने प्रवचन में एक बात कही थी कि हम सब आत्मरूप से एक हैं, सिर्फ आत्मरूप से एक नहीं है, हम सब मानसिक रूप से भी एक हैं, हम सब शारीरिक रूप से भी एक हैं, सभी जीव। जैसे भांडे हैं भाई, मिट्टी का भांडा है, प्रजापति ने सुराही बना दी, दिया बना दिया, मूर्ति बना दी, कुंडा बना दिया, माटी माटी एक, जैसे सुनार है उसी सोने से गहने बनाता है, हंसली बनाया, कंगन बनाया, फलाना नथनी, तमाम सोना एक। इसी प्रकार ये पूरे शरीर की वृत्तियां हैं। जब गाड़ी चलेगी तो फ्यूल चाहिए या नहीं, मेंटेनेंस चाहिए कि नहीं, इसलिए अब शरीर की वृत्ति है आहार, भूख, प्यास, आलस्य, निद्रा, अग्नि तत्व, भूख लगती है। आदमी फिर उधर को भरने के लिए कर्म करता है। क्या पृथ्वी तत्व से उत्पन्न वस्तुओं को शरीर को मेंटेन करने के लिए खाता पीता है? वाह, अब कर्म में फंसा, इसमें आत्मा है। ये खेला बहुत बारीक है, आत्मा क्यों नहीं दिख रही है? हम आत्मा को देखने के लिए जिन चीजों का प्रयोग कर रहे हैं वो नहीं देख सकते हैं। स्वाद सिर्फ हम जिभ्या से अनुभव कर सकते हैं, दृश्य केवल आंखों से, शब्द का बोध केवल कानों से, खुशबू और बदबू का बोध केवल नासिका से। इसी प्रकार हम सब बाहर चरम दृष्टि हो गई, बाहरी जगत देख रहे हैं इंद्रियों के कारण, माया के कारण। ये काया माया एक ही जानो, झूठा सकल पसारा मानो। इसमें मन करता यह देह समाना। यहां साहब पुष्टि कर रहे हैं, या तन में और रहे न कोई, या तन में और रहे न कोई, मन और जीव मिले मिल रहे हैं दो ही, और मन और माया तो एक ही है। शरीर मन की आज्ञा के अनुसार चलता है, ऊर्जा आत्मा दे रही है। गाड़ी चलती है तो फ्यूल से, चलाता ड्राइवर है। इस तरह अज्ञानवश आत्मा ने अपने रूप को भूलकर शरीर को अपना रूप माना। जो तथ्य मैं आपके सामने रख रहा हूं यही गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में बोला।
सुनाओ तात ये अकत कहानी, समझत बने न जाए बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयो गुसाई, बंधियो कीर मरकट मरकट के नाई। कीर तोते को कहते, मरकट बंदर को कहते। आत्मा बंधी हुई है, आत्मा बुरी तरह बंधी हुई है, इसको कोई बांध नहीं सकता। पर बंधी कैसे है? माया और मन ने बांधा। कहने सुनने के लिए हम सब कह रहे हैं, भैया क्या बताएं, मन और माया में उलझे हुए हैं। केवल इतना कह रहे हैं, आगे सोच ही नहीं रहे हैं। आगे कोई हम बात नहीं सोच रहे हैं, केवल इतना कह रहे हैं, मन माया में बंधे हैं। और आगे क्या कह रहे हैं? मन माया तो एक है, दूजा सभी विकार। जो मन कहेगा, शरीर जो डिमांड करेगा माया, मन वही करेगा। मन को आत्मा से कुछ लेना देना नहीं, न तो तन को आत्मा से कुछ लेना देना नहीं है। वाह, ये कैसा खेला है! अच्छी बात है, कम से कम संसार के जितने भी धर्म हैं, एक मत से उन्होंने ये स्वीकार किया है, आत्मा अमर है। ये प्रेरणा भी ऋग्वेद से मिली है सबको। निष्पक्ष होकर के अगर आप सोचेंगे, इस प्रेरणा का स्रोत भी ऋग्वेद है। इस तरह आत्मा इसमें लेवर का काम कर रही है। ये जीवात्मा क्या कर रही है? अनिश्चित कार्य कर रही है। जो मन कहे आत्मा वही काम कर रही है। बाजीगर का बांद्रा ऐसा जी मन साथ, नाना नाच नचाए के राखे अपने हाथ। जैसे नट बंदर से जो काम चाहता है वो कराता है, इस आत्मा से जो मन चाहता है करा रहा है। मन के अंग पर साहब ने बहुत कुछ कहा। आप इस मन से कभी उम्मीद नहीं करना, ईश्वर की तरफ ले जाएगा। मन का मतलब केवल तन है। कितने प्यारे शब्द हैं साहब के। संतों संतों तन खोजे मन पाया। तन ही मन है, इंद्री मन है। हजारों जगह कह दिया, मनय स्वरूपी देव निरंजन, तोहे राख भरमाई। हे अंसा तू अमर लोक का पड़ा काल बसाई। जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर कहे विश्वासा। मन ही आए काल कराला, जीव निचाए करे बेहाला। मन स्वरूपी देव निरंजन, तो है राख भरमाई। वाह, साहब ने कहीं मीन में छोड़ा नहीं है। इसलिए ये सब है मन केर तमाशा। एक दो नहीं, दुनिया के जितने भी लोग हैं उनकी वृत्ति रवायत देखना, केवल शरीर के लिए जीते। आत्मा को भुला दिया है, आत्मा अपने को शरीर मान रही है। क्या बात है गोस्वामी जी की! जड़ चेतन है ग्रंथ पढ़ गई, यद्यपि मिथ्या छूटत करने। जड़ ये शरीर, चेतन आत्मा, ग्रंथ ही कहते गठान की। यद्यपि मिथ्या, आत्मा बंध ही नहीं सकती, अज्ञानवश आत्मा को बांधा है। आत्मज्ञान के बाद सब बातें खत्म हो जाती। आत्म ज्ञान सम ज्ञान ना आना, यही बात तो रामकृष्ण जी ने भी अपने गुरुओं से पूछी है। राम जी पूछ रहे हैं वशिष्ठ जी से, हे गुरुवर, आत्मा का ऐसा क्या सौरभूम है
जिसे देखने मात्र से हम संसार सागर से पार हो जाते हैं। वशिष्ठ जी ने एक ही बड़ी सुंदर बात कह दी, बोला हे राम, आत्मज्ञान के बाद संसार का अस्तित्व खत्म हो जाता है, मन और माया खत्म हो जाते हैं और संसार के पदार्थों की आसक्ति एकदम खत्म हो जाती है, अपने रूप को जान जाता है। जब आत्मरूप को देखता, आत्मज्ञान सम ज्ञान नाना, तो उसका बाकी जगत अध्यास खत्म हो जाता है। अध्यास बहम को कहते हैं, अध्याय अलग है, अध्यास जगत अध्यास खत्म हो जाता है। जैसे भ्रमवश हम रस्सी को सांप मानकर भयभीत होते हैं, अगले पल जब यह ज्ञात हो जाता है यह रस्सी है, तो हम चाहकर भी भय नहीं हो सकता है। इस तरह अज्ञानवश ही सब कुछ है, और ज्ञान में आत्मज्ञान सम ज्ञान ना आना। अब यह प्रश्न उठा, हम जो भी कर्म कर रहे हैं, कर्म का अधिष्ठान मन और माया के हाथ में है, हमारी आत्मा कर्म नहीं करती है। जड़ चेतन है, ग्रंथ पड़ गई, और आत्मा कौन सा कर्म कर रही है, दुनिया कौन सा कर्म, शरीर के ही तो कर्म कर रहे हैं। हम सब ये भली भांति जानते हैं शरीर नाशवान है। अब यहां एक बात आई, तभी भी लोग मजबूर है, इसमें रहना पड़ता है। ठीक वैसे ही जो कैद में है वो स्वतंत्र होना चाहते हैं, मजबूरी है, वहाँ जेलर और फोर्स है, उनको वहाँ कैद कर रखा है। इस तरह इस आत्मा को मन माया ने बांधा है। अब मुक्ति की बात सभी धर्मों में आती है, पर मुक्ति के उपाय लोग अपने अपने हिसाब, अपनी अपनी आवश्यकता, अपने अपने मतलब के लिए बता रहे हैं। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, एक नहीं नाना, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। अब यहां ये काम ये खुद नहीं कर सकता है। एक अदद मुक्ता गुरु की जरूरत है। क्यों, अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, बंधे को बंधा मिले तो गांड छुड़ावे कौन। गुरु की प्रासंगिकता बहुत जबरदस्त है, यही वेदों में भी है, यही श्रीमद् गीता में भी है, ये रामचरितमानस में भी है, ये योगा वशिष्ठ में भी है, यही सब संतों ने भी कहा है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे कोटन करे उपाय, वही ज्ञान गुरु के बिना नहीं हो सकता। क्या बात है गुरु के पास ऐसी, वो स्वयं आत्ममुक्ता है, आपको स्वरूप बोध देगा, आपको एक अध्यात्म शक्ति देगा, जिससे आप मन और माया का खेला समझते जाएंगे। आपकी आत्मा कहीं दूर नहीं है, आपके पास ही है। गहरे बादल ने सूर्य को रौंद रखा है, पर सूर्य के प्रकाश और अस्तित्व को मिटा नहीं सकता है, वो छट जाए तो रोशनी है ही है। तभी तो ब्रह्मानंद जी भी कह रहे, ब्रह्मानंद स्वरूप जिन जाना, काशी जाए मरे न मरे, कल मैं पुनः हाजिर हो जाऊं साहेबंदी।